केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी माध्यम से देश की जनता को संबोधित किया। हरिद्वार के राजकीय ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को ध्यान से देखा और सुना। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल से आभासी माध्यम से जनपद की 28.32 करोड़ रुपये की लागत की 39 योजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि 54.30 करोड़ की लागत की 184 योजनाओं का शिलान्यास किया है। कार्यक्रम स्थल पर लोकसभा सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक ने इन योजनाओं का भौतिक रूप से शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित जन सामान्य को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर सदी के इस महानतम कार्यक्रम के साक्षी बने। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने सीधा पूरे देश भर के लिए आज वर्चुअल रूप में शुरू किया है। आज हम हरिद्वार जनपद के हरिद्वार लोकसभा के लोग सौभाग्यशाली हैं कि सीधे प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़े हैं, और मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में बहुत कम ऐसा हुआ है जब किसी देश का प्रधानमंत्री सीधे सीधे गाँव से जुड़ता है, गाँव के लोगों से जुड़ता है, सीधे संवाद करता है, उनकी कठिनाई क्या है, जो अभी तक हो गया उसमें उनको कितनी खुशी है और जो शेष होना है वो क्या होना है। ये जो विकास यात्रा होगी, विकसित भारत यात्रा